मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले एक वीडियो लगातार सुर्खियां बना रहा है। इस वीडियो में सीएम धामी बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 31 मई को सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीती देर शाम को प्रचार प्रसार भी थम चुका है। अब प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार ही कर सकते हैं। ऐसे में सीएम धामी का एक अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल भाजपा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार सुबह से ही डोर टू डोर प्रचार प्रसार पर निकल पड़े। इस दौरान सीएम धामी ने निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी और अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली निकालकर अलग अंदाज में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। बता दें कि सीएम धामी अपने अंदाज में टनकपुर मनबसा के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क करते नजर आए। गौरतलब है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जैसे ही अचानक बाइक चलाते हुए लोगों को दिखे तो जनता भी आश्चर्यचकित हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोटर बाइक से जनता के बीच पहुंचकर अपने लिए मतदान करने की अपील की। याद दिला दें कि मुख्यमंत्री धामी खटीमा से विधानसभा चुनाव हार गए थे। अब पार्टी द्वारा दोबारा सीएम बनाए जाने के बाद उन्हें चंपावत से उपचुनाव जीतना है।